तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं दुआ करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे TVS स्पोर्ट का गियर बक्से के फिटिंग के बारे में। तो दोस्तों जो ये हमारा आप देख पा रहे होंगे ये गियर सिलेक्टर है, और ये आप जो सापट देख पा रहे होंगे ये आउटपुट सापट है। जो हमारी सापट ये इंजन के बाहर निकली होती है और इस पर अगला स्पोकेट लगा होता है जिस पर चैन चलती है, और ये हमारी इनपुट सापट है। और ये मैं दिखा दूँ आपको, ये इसके गियर्स हैं जितने भी ये रखे हैं, और ये गियर सिलेक्टर पत्ती है। ये दोनों यानी कि इसकी मदद से जो अपने गियर होते हैं फर्स्ट में सेकंड और सेकंड में फर्स्ट में, ये चलाने में मदद करते हैं। और इसके रूलर हैं आप ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे लग जाते हैं यहाँ पे गियर सिलेक्टर की पत्ती पे। ये इसकी दोस्तों बार्सल है जो गियर बक्से के अंदर बिना लॉक खोले हुए, ये हमारी 1 2 3 4 5 यानी कि 5 बार्सल लगती हैं, जो कि एक बार्सल हमारी किक की है। तो इसको सबको हम फिट करते हैं गियर बक्से के अंदर आप और आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों गियर बक्सा बिठाते समय आप जो है गियर सिलेक्टर पर न्यूट्रल पत्ती लगी होती है इसको बहुत जरूरी है चेक करना, नहीं तो क्या होगा जो हमारा जब गियर निकल जाते हैं तो उसमें न्यूट्रल लाइट नहीं चलेगी। तो इसको हम पहले लगा लेते हैं, और इसमें पीछे की साइड में दोस्तों 10 नंबर का बोल्ट होता है उसको भी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस 10 नंबर के बोल्ट को अपने 10 की टीस की मदद से कर लेते हैं टाइट, क्योंकि हमारा बोल्ट फुल टाइट हो चुका है, और उसके बाद में इसका गियर बक्सा बनाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो बिना स्क्रीप करे हुए देखनी है ताकि आप भी 2 मिनट के अंदर अपना TVS स्पोर्ट का गियर बक्सा बनाना सीख जाएंगे। तो ये हमारा जो गियर सिलेक्टर था कंप्लीट हो गया है, और इन बैरिंगों के अंदर दोस्तों हम नया मोबिल यूज करते हैं ताकि ये जाम नहीं रहे और जो बैरिंग है अपने बिल्कुल फ्री हो जाए। तो इस तरह से इनको चला लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अपनी आउटपुट सापट और इनपुट सापट है वो दोनों सापट ले लेते हैं। दोस्तों अपनी आउटपुट सापट है देख पा रहे होंगे आप, और ये दोस्तों अपनी इनपुट सापट है। तो इनको कुछ इस तरह से लगा करके अपने गियर बक्से के अंदर बिठा लेना है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों जो अपनी इनपुट सापट और आउटपुट सापट थी वो दोनों बैठ गई हैं। उसके बाद में दोस्तों गियर सिलेक्टर पत्ती ले लेते हैं दोनों तरह से। दोस्तों एक ये छोटी पत्ती होती है और ये बड़ी पत्ती होती है, तो जो अपनी छोटी वाली पत्ती होती है वो इधर की साइड में यानी कि इनपुट सापट के अंदर लगानी पड़ती है, और जो अपनी बड़ी पत्ती होती है वो आउटपुट सापट के अंदर लगानी पड़ती है। और इसके जो दोस्तों रूलर होते हैं इसके अंदर हमें लगाने बहुत ज़रूरी हैं, इस तरह के रूलर होते हैं, इस तरह से लगाने ज़रूरी होते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों गियर जो होते हैं अपने स्मूथ पड़ जाते हैं। ये इसके अंदर इस तरह से घूमता है, करीब से दिखा दूँ इस तरह से घूमता है, और जो अपने गियर होते हैं वो आसानी से बिल्कुल मक्खन जैसे पड़ जाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है लगाना। अगर आप गियर बक्सा फिट कर रहे हैं TVS स्पोर्ट का और आपने ये छोड़ दिया है तो दोस्तों जो गियर की गलारीज होती हैं वो ख़राब होने के बहुत चांस हो जाते हैं, यानी कि 80% जो है गियर की गलारी ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, इनको लगा लेते हैं। तो पहले जो अपनी इनपुट सापट की है गियर सिलेक्टर पत्ती है इसको लगा लेते हैं, और इसको लगाने से पहले एक रोड ले लेते हैं जो अपनी गियर सिलेक्टर पत्ती की रोड है, इस पर हल्का सा मोबिल लगा लेते हैं। मोबिल लगाने से क्या होगा दोस्तों जो अपनी ये है सिलेक्टर पत्ती है स्मूथ चलेगी मक्खन जैसी, और अपने गियर डालने में निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गियर बक्सा लगाते समय बिठाते समय दोस्तों आपको मोबिल का बहुत ज़रूरी उपयोग करना चाहिए ताकि जो अपने गियर होंगे वो सूखे नहीं होंगे और आराम से चलने लगेंगे। तो इसको हम लगा लेते हैं इस तरह से, ये लगा लेना है और इसको थोड़ा घुमा करके तरह से दोस्तों इसको ऊपर वाली साइड में लगाना है। जो गियर सिलेक्टर है इसको ऊपर वाली साइड में यहाँ पे लगाना है, अपनी रोड है ये, इसको इसके अंदर इस तरह से बिठा देना है। जो अपनी रोड है ये आराम से बैठ गई है। इसके बाद में अपनी जो दूसरी वाली पत्ती है गियर सिलेक्टर पत्ती इसको भी कुछ इस तरह से लगा लेते हैं इसके अंदर। ये दोस्तों हमें नीचे वाली साइड में लगानी होती है गियर सिलेक्टर के अंदर, और इस वाली रोड पे भी दोस्तों हमने मोबिल लगा लिया है ताकि ये आसानी से चलने लगे, और इसको इसके अंदर लगा लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये लॉक हो जाएगी। जब दोस्तों ये पिन बैठेगी रोड बैठेगी तो इसमें एक कट जैसी आवाज़ आएगी, यानी कि ये फिक्स बैठ गई है। तो अपना ये गियर बक्सा जो था यहाँ तक का कंप्लीट हो गया, और ये चलने में मस्त चलने लगा है आप ये देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों जो हमने रूलर डाले थे इसके गियर सिलेक्टर पत्ती के अंदर, तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये यहाँ पे दोस्तों
ये रूलर हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, और ये चल रहे हैं इस तरह से गोल गोल घूम रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या, यहाँ तक का जो था अपना गियर बक्सा फिट हो गया, इसकी एक वार्शल ले लेते हैं, वार्शल लगाते हैं। तो दोस्तों जो बड़ी वार्शल है वो इसके अंदर लगा लेते हैं, तो अपनी छोटी वार्शल को भी इसके अंदर लगा लेते हैं। उसके बाद में इसमें एक गलारी लगाएंगे जो इस तरह की होती है, तीन टिक निकले होते हैं इसके बाहर को, इसके अंदर लगा लेते हैं। उसके बाद में एक वार्शल और आएगी दोस्तों इसकी, इस वार्शल को भी इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो हमारी जो होती वार्शल वो भी लग गई है। उसके बाद में एक गलारी कुछ इस टाइप की होती है जो इनपुट शॉपर्ट में लगती है, इसको भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद में इसमें दोस्तों कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, इस गलारी को आप किधर से भी इसमें बिठा देते हैं, बिठा सकते हैं। उसके बाद में एक वार्शल आती है कुछ इस टाइप की, ये हमने लगा दी है, जो तो हमारा यहाँ तक का गियर बक्सा फिट हो गया है। उसके बाद में दोस्तों ये हमारी जो है किक शॉपर्ट है, इसका भी टॉप होता है जो आप ये टिक देख पा रहे हैं, और आप इसमें टिक देख पा रहे होंगे, दोनों टिक सामने रहने चाहिए। तो इनको भी हम इस तरह से लगा देते हैं, कुछ थोड़ा साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे दोनों सामने आ गए। इसको बिठा देते हैं नीचे और अपने चैम्बर के अंदर लगा देते हैं इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों एक इसका स्प्रिंग आता है कुछ इस टाइप का, इसको लगा लेते हैं। उसके बाद में लो का एक वार्शल आती है इस टाइप की, कुछ इसकी वार्शल आती है, ये वार्शल भी लगा देते हैं। तो दोस्तों जो हमारा गियर बक्सा था TBS स्पोर्ट का वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।